नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका टेक्निकल सीसीएम में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैम बढ़ाने के बारे में। अगर आप भी रैम बढ़ाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए, शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नॉन रूट यूज़र जो है रैम को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन वो कई और तरीके हैं जिनके द्वारा अपने मोबाइल को काफ़ी हद तक फास्टर बना सकते हैं, उसकी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे उन तरीकों की। और जो रूट यूज़र है वो बिल्कुल अपनी रैम को बढ़ा सकते हैं, और उनका वीडियो जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है लिंक को, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख लीजिए। 100% आप रैम को बढ़ा पाएंगे उस ट्रिक को यूज़ करते हुए। अब चलिए नॉन रूट यूज़र के फ़ायदे की बात करते हैं कि किस प्रकार ये रैम बढ़ाएं, या फिर कहें तो अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीड को बूस्ट करें और काफ़ी हद तक तेज़ फ़ोन को यूज़ कर पाएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। चलिए दोस्तों, अगर आप नॉन रूट यूज़र हैं तो निराश मत होइए, आपके लिए भी ट्रिक है मेरे पास। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर जाना होगा। चलिए चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स जैसे ही ऑप्शन हो जाए ओपन हो जाए, फिर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अबाउट फ़ोन का ऑप्शन जो है ढूंढना है। उसके बाद अबाउट फ़ोन में भी सबसे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके बिल नंबर पे 10 से 12 बार क्लिक कीजिए। उसके बाद आप जो है एक डेवलपर बन जाएंगे, जिससे कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे एडवांस फीचर आ जाएंगे। तो चलिए डेवलपर ऑप्शन को ओपन करते हैं। ओके, तो इसको मैंने ओपन कर लिया। तो मैं एक रूट यूज़र हूँ और काफ़ी एडवांस मोबाइल है मेरा, तो रोम यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे काफ़ी एडवांस फीचर है इसके अंदर, बट आपके थोड़े कम होंगे पर होंगे ज़रूर। तो उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है इसके अंदर, और फिर काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको जो है पहुंच जाना है यहाँ पे, यानी कि हाँ, विंडोज़ एनिमेशन स्केल, यानी विंडो की एनिमेशन स्केल है उस पे पहुंचना है आपको, और फिर उसको जो है 0.5x पे कर देना है आपको। सिंपली 0.5x दिखाई देगा, उस पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल, इसको भी 0.5x कर दीजिएगा। और ड्यूरेशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, इसको भी 0.5x कर दीजिएगा। कि भाई इनको 0.5x करने से आपको फ़ायदा क्या हुआ, ये आप अब सोच रहे होंगे, तो चलिए देख लेते हैं। विंडो एनिमेशन स्केल, इसको हम लोग 5x पे करते हैं, तो देखते हैं विंडो काफ़ी धीरे धीरे शो हुई। 10x पे करके अब देखते हैं, 2-3 साल लगे होंगे शायद इसे शो होते हुए, तो यही इसका फ़ायदा है। इसे 0.5x पे करके देखते हैं, 3x पे या 4x पे करके देखते हैं, चलिए कितना फास्टर हो गया, कितना फास्टर ट्रांजेक्शन जो है आ रहा है, यही इसका फ़ायदा है। यानी कि हम लोग फास्ट ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, एक ऐप से दूसरी ऐप में हम लोग जो है बहुत ही आसानी से मूव हो पाएंगे, जो कि काफ़ी हमने लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए ओके, GPU ओवरड्रॉ को जो है यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं करना है, सॉरी। फिर नीचे चलते हैं और 4xMSSMSA इसको भी अपने को ओपन कर देना है, और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और स्ट्रिक्ट मोड को भी इनेबल कर देना है। ये काफ़ी मतलब एडवांस्ड फीचर है। इसके बाद जब आप लोग कोई लॉन्ग यूसेज करें हों तो ये स्क्रीन फ्लैश करने लगेगी और बता देगा कि आपको ये टास्क कब एंड कर देनी चाहिए। फिर जो है आपको डोंट कीप, इसको बंद रखिए। फिर बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को आप अपने कोर्स के हिसाब से सेट कर लीजिए। अगर आपका मोबाइल फ़ोन क्वाड कोर है तो 4 प्रोसेस रख दीजिए, और ड्यूल कोर है तो 2 प्रोसेस पे ही रख दीजिए। मेरा मोबाइल हालांकि ऑक्टा कोर है, तो मैं यहाँ पे 2 प्रोसेस आपके लिए रख रहा हूँ, तो चलिए 2 प्रोसेस ही रख लेते हैं। ओके, फिर किल 1 बटन इसे कर दीजिए, यानी एक बटन आप कोई लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे बैक वाला, तो सारी ऐप्स जो है वो अपने आप बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था नॉन रूट यूज़र के लिए मेथड जिनसे वो अपने मोबाइल फ़ोन को काफ़ी एडवांस बना सकते हैं। दोस्तों, इस मेथड को ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको अपना मोबाइल थोड़ा भी फास्टर महसूस हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मेरे पास चैनल में बहुत सारे अभी भी हैं और आगे आते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।